नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से कि आपको बिहार की और भी छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की मौसम समाचार के बारे में। तो नेपाल से सटे बिहार के तराई जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया में एक दो स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश अलर्ट किया है। वहीं दक्षिण बिहार के पटना सहित 19 जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ का पश्चिमी भाग हिमालय की तराई से होकर गुजर रहा और पूर्वी भाग गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, शांति निकेतन, हल्दिया होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही दो चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र भी बना हुआ है, यह भी मॉनसून की बारिश को लेकर सहायक बन सकता है। और इनमें से एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र आंतरिक ओडिशा और आसपास में फैल चुका है। दूसरा एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बिहार एवं समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के आसपास फैला है। मौसम विभाग का कहना है कि दो दो चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव और मानसून की ट्रफ रेखा के असर से बिहार में मानसून की बारिश का पूर्वानुमान है और इन सभी मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अनेक स्थानों एवं दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिले जो तराई में स्थित हैं वहां भारी बारिश का अलर्ट किया है। इसमें उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया शामिल है। यहाँ 24 घंटे में एक दो स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के पूर्णिया, सुपौल और कटिहार में एक दो स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई।